आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती, जिसका एग्जाम कल हुआ था 29 जनवरी को, यानी कि हम मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, एक आप लोग कितना सही करके आए हैं, कितना गलत है, आप लोग पूरा मिलान करके रख लीजिएगा। मैं आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का पूरा डिटेल संभावित क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर बने रहेगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। आज हम पूरा पैटर्न देखने वाले हैं मैथ्स का और रीजनिंग का, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती पुलिस भर्ती का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जो कि रीजनिंग से संबंधित है, यानी कि रीजनिंग से। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए, ये जो आपका चिन्ह है ये वाला, और यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, इसका जो काला घेरा हुआ है यहाँ पर इसी प्रकार दिखाई दे रहा है, इसी का, यानी कि यहाँ पर जो चिन्ह दिया है यहाँ पर भी इस प्रकार होगा, लेकिन ये सेम सेम होगा, यानी कि यहाँ पर ऐसा वाला बनेगा, यहाँ पर ऐसा वाला बनेगा। यहाँ पर रंगीन कर देते हैं इसको, ऐसे रंगीन करने कौन सा ऑप्शन दिखा रहे हैं, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर ए होगा, जितने लोगों ने आंसर ए लगाया है बिल्कुल सही होगा। कमेंट करते जाएगा, फटाफट कमेंट करें कि कितने लोगों ने आंसर दिया है और कौन कौन सॉल्यूशन बनाए हैं। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करते जाएगा। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन ए रहेगा। और कितने लोगों ने बनाया है, जी सर हमने बनाया है, हमने बनाया है राकेश, रजनी, सिन्हा, मनोज, कितने लोगों ने आंसर बनाया फटाफट। हाँ बिल्कुल, जितने लोगों ने आंसर ए डाला है फटाक से कमेंट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपको अर्डर सीक्वेंस का है, यानी कि दिए गए क्रम को अगली संख्या में चेंज करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको बहुत लोगों ने प्रयास किया था। इसका आंसर देखिए, कई लोगों ने सी लगाया है, तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। कैसे होगा मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ना। देखिए, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि इसका सीक्वेंस क्या कहा गया है। तो इसका आंसर डी होगा, ध्यान से समझिएगा। 11, 39, 89, 167 के बाद क्या आएगा, 279, यानी कि 289 आएगा। कैसे आएगा तो ध्यान से समझिएगा, इसका तरीका है। देखिए, 11 का जो है आपका 3 का क्यूब करेंगे, उसी प्रकार माइनस 4 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कर देंगे, एक मिनट ना, बराबर 11। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसी प्रकार सेकंड का करेंगे, 39 का करेंगे, तो हम 39 का कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 का क्यूब कर देंगे, एक मिनट, 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर ये वाला नहीं दिख पा रहा हुआ, मैं इसमें कर लेता हूँ। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, उसके बाद हम 5 का क्यूब कर देंगे तो आपका 39 आ जाएगा। उसी प्रकार 89 का क्या आ जाएगा, 89 का आपका हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, बराबर आपका हो जाएगा 19। उसी प्रकार आपका 167 का हो जाएगा आपका 6 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, बराबर हो जाएगा 167। उसी प्रकार 289 का आपका हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 279, आपका आंसर यहां तक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही सरल वाला है। देखिए, ये इजी बन जाएगा आप सभी के लिए, एकदम इजी सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है, सबसे पहले इसको जोड़ देना है। सबसे पहले देखिए गया है, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फ्लोइंग फिगर, यानी कि चित्र देखकर आपको समझना है कि किस प्रकार आपको यहाँ आएगा। तो इसका आंसर आसान से दिख रहा है, बी होगा इसका आंसर। कितने लोगों ने टिक लगाया है, देखिए इसका आंसर भी सही है, क्वेश्चन पेपर मैं देख रहा हूँ, बहुत लोगों ने आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही है। कैसा करना है, देखिए सम करना है, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, 6 4 कितना होता है, 10, 10 और 4 को जोड़ेंगे 14। ठीक है, 6 प्लस 4 प्लस 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 कितना, n, n का मतलब होता है यहाँ पर 14। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ेंगे 14 और 2 कितना होता है, 16, 16 एक 17। तो 17 किसका आता है, इंग्लिश में क्यू को आता है, तो क्यू किसका है, आंसर बी होगा। कितने लोगों ने बनाए हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत लोगों ने आंसर दिया है कि बी डाले हैं सर, ऐसा करके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ये एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ये कहता है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। ध्यान से समझिएगा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोग कितने लोगों ने आंसर सी दिया। देखिए इसका पहला ए लगाया है, बिल्कुल गलत है ना, ये इसका आंसर सी होगा। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। ठीक है,
लड़कों की संख्या दोगुनी है, तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा एक गर्ल, ठीक है, इसको मैं इसमें लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गर्ल का हम मान लेते हैं लड़कों से दोगुनी है, ये आपका दोगुनी, ठीक है, एक मिनट ना, ये आपका बी हो गया, ठीक है, ये आपका ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, गर्ल इस लड़कियों से कितनी है, दो गुनी है। अब लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है, यदि लक्ष्मी 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक से कितनी लड़कियां होगी, तो यहाँ पर लड़कियां होगी, मतलब आप लोग कंफ्यूजन हो गए, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, आफ्टर हर लिखा हुआ है, हर का मतलब पुरुष में ही किया जाता है, ईच का मतलब यहाँ पर लड़कियाँ होगी, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन के लगातार आप कई लोग 21 डालें, कई लोग 24 डालें, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सी होगा। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले टोटल लड़के कितने, छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी, टोटल कितना पूछा गया है 60, तो यहाँ पर गर्ल प्लस बॉय बराबर हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया है कि इसमें कितनी संख्या है लड़कों से दो गुनी है, तो लड़कों को मान लीजिए 60 है टोटल, तो यहाँ पर लड़कों का कितना हो जाएगा, बॉय का आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ पर गर्ल का हो जाएगा आपका 40, कितनी है दो गुनी है, इससे कितनी है दो गुनी पूछा गया, ठीक है। तो बॉय का कितना हो गया 20 और गर्ल का हो गया 40, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एकदम आसान तरीका है, तो क्या पूछा गया है कि लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है, यदि लक्ष्मी 9 लड़के आगे हैं, क्या पूछा गया, 9 लड़के आगे हैं, ठीक है, कितने लड़के आगे हैं, 9 लड़के आगे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से आपका 27वें, ठीक है, तो 27वें शीर्ष से यदि लक्ष्मी 9 लड़के आगे हैं, 9 लड़के इधर आगे हैं, तो कितना बच गया इसमें, 27 में 9 घटाओगे तो कितना जाएगा आपका 17, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि लक्ष्मी एक और जोड़ दिया, लक्ष्मी शीर्ष से आगे हैं यानी 17 में एक और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 आ चुका है तो 17 लड़की आगे हैं, तो 17 और 18 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 में 18 को घटा देंगे, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो आप यहाँ पर 40 माइनस 18 को घटाओगे, एक मिनट ना, ये एक मिनट, 40 में 18 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कितने लोगों का आंसर आया कमेंट करके बताइएगा फटाफट। ये आएगा सी, बिल्कुल 22 होगा, यानी कि 40 में आप 18 को घटाओगे तो 22 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए इसका कौन कौन आंसर लगा है, बिल्कुल सी लगा है और बिल्कुल सही है ये आंसर, जितने लोगों ने आंसर सी दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिख रहा है बिल्कुल इसमें मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर सी होगा, बिल्कुल इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितने लोगों ने बी, देखिए इसका आंसर ये आप पर बी टिक लगाया है, ये बिल्कुल गलत होगा, इसका आंसर डी होगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से, किसी कोड में अगर मंकी को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा ये वाला। कैसे होगा तो एक बार समझिएगा, देखिए अगर हम मंकी को उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, मंकी को किस प्रकार लिखेंगे, उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इधर, जैसे कि ये वाई ई है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वाई के एन ओ एम, ठीक है, उसी प्रकार इसको भी उल्टा लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक्स है इधर आ जाएगा, एक्स के बाद एक्स सी और क्या है एच जे जे और जी। अब देखिए इसको ध्यान से समझेगा, है ना, तो इसमें कितना का अंतर है, माइनस वन का अंतर है, उसी पर इसमें माइनस टू का अंतर है, उसी पर माइनस थ्री का अंतर है, इस प्रकार माइनस फोर और माइनस फाइव माइनस सिक्स, यानी कि ये पूरा पिछले हम घटते क्रम में गया हुआ है, तो उसी प्रकार अगर टाइगर को हम उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, जैसे कि देखिए इसको आर आई ई उसके बाद जी आई आई टी इधर आ जाएगा, तो इसको हम कर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ओ ई डी सी क्यू, ये ऑप्शन कौन सा में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए ये बहुत ही ईजी सवाल है, देखिए ये ऐसे ही आसान से दिख रहा है, ये जो इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, इस प्रकार का जो चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, ये आपका इसमें मैच कर ही नहीं रहा है, देखिए ये पूरा इधर बना हुआ है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वो जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है ये इधर बन रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है, ये आंसर सी बिल्कुल मैच कर रहा है, देखिए जो इस प्रकार का जो ये वाला चिन्ह है, ये ऑप्शन ए वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका आंसर कितने लोगों ने लगाया है, आंसर सी बिल्कुल सही होगा, बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए ये देखिए आयु संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आयु वाला सवाल में,
मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सवाल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कितने लोगों ने आंसर डी दिया है। देखिए इसका भी आंसर जिसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ वो पूरा सॉल्यूशन किया है, ठीक है। वो कम से कम मैथ्स का एक क्वेश्चन बस छोड़ा है, बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है। तो चलिए मान लेते हैं ए कौन है, बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, बहन को हम माइनस कर लेते हैं और जो प्लस रहता है उसको ये करेंगे, ठीक है। ए क्या है, बी की बहन है, या ध्यान से समझिए। सी बी की माता है, कौन है सी, कौन है सी, बी की माता है, बी की माता है, ये आपका कौन होगी, माता, ठीक है। उसके बाद डी सी का पिता है, डी कौन है सी का पिता, डी डी सी का पिता है, ये आपका पिता हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, एक मिनट ना, ये मिस्टेक हो गया था, ये ठीक है बिल्कुल सी है, डी के पिता हो गया है। अब ए डी के किस प्रकार संबंध है, ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए है डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आपका डी से पूछा गया ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका होगा पोती, यानी कि नाती, यानी कि आपका ग्रांड डॉटर, ग्रांड डॉटर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ आपको पोती समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर कंफ्यूजन के लगे कई लोग ए टिक लगाए होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपका होगा यहाँ पर दिया गया ना, रिलेटेड डी टू, रिलेटेड डी से पूछा गया, डी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर कमेंट ना करें, बिल्कुल सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर डी से पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से, यानी कि आपकी पोती हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। कितने लोगों ने आंसर दिया है, ये भी आंसर ठीक लगाया है, यानी कि इसका आंसर डी होगा। आप लोग बताइएगा कि कौन से आंसर दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वेन डायग्राम से, विच ऑफ द फ्लोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इंस्ट्रक्ट्स द रिलेशनशिप अराउंड द टेनिस फैट और क्रिकेट प्लेयर्स स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले टेनिस प्रशंसक देखते हैं, यहाँ मान लीजिएगा एक टेनिस प्रशंसक है, क्रिकेट खिलाड़ी है, टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र के बीच संबंध को देखें। अब देखिए ये जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है वो टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है, एक छात्र भी हो सकता है, तो ऐसा वाला जो डायग्राम बन रहा है ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बिल्कुल ए। कई लोगों ने आंसर देखिए डी लगाया है, ये इसका आंसर गलत हो गया है, और बहुत सो कमेंट आ रहा है कि सी, तो सी नहीं आएगा। देखिए एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक टेनिस प्रशंसक, मान लीजिएगा कोई एक टेनिस प्रशंसक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी भी है, एक टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, या क्रिकेट खिलाड़ी एक टेनिस प्रशंसक भी हो सकता है, और छात्र के बीच, अब एक छात्र भी टेनिस खिलाड़ी हो सकता है, टेनिस प्रशंसक भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि पूरा तीनों ही मिक्स है, ये भी होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया छात्र के बीच संबंध बोला गया है ना, तो मतलब इसमें तीनों ही एक मिक्सिंग आ रहा है, तो इसका आंसर ए होगा ना कि डी, ठीक है। आप लोग कौन से आंसर लगाए हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके भी बताइएगा, सॉल्यूशन आपको मज़ा आ रहा है ना, मैथ्स और रीजनिंग सवाल बनाने मज़ा आ रहा है ना। चलिए इसका बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखिए ये ऐसे ही इजी एग्जाम में आपको मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए निम्न की समीकरण बनाने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदलना, चिन्ह बस बदलना है यहाँ पर, तो पहला तो ऐसे दिख रहा है ये तो बनेगा ही नहीं, चलिए सेकंड को चेंज करके देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर 5+3×8 -12/4 = 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका बराबर हो गया है, 3 दिया है, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो माइनस की जगह हम भाग कर डालेंगे और इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 5+3×, ये माइनस की जगह हम भाग करेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 - 12, एक मिनट ना, चलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 5+3×8 माइनस की जगह हम क्या रखेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, ये आपका भाग 12, और जो माइनस चिन्ह दिया हुआ है, प्लस अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, एक मिनट ना आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए जो ये वाला भाग है इसको लिखना पड़ेगा, ये इसको चेंज करेंगे, तो 5+3×8 माइनस की जगह हम क्या करेंगे, भाग 12, यहाँ तक क्लियर हो गया,
अवभाग की जगह हम माइनस चार बराबर तीन, ठीक है। तो आरती है चौबीस, चौबीस पाँच प्लस चौबीस बटा बारह माइनस चार, तो ये और ये कैंसिल करेंगे कितना, बारह का बारह, बारह दूनी चौबीस और पाँच दो सात, सात माइनस चार घटाएंगे कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। कौन सा आंसर दिख रहा है, ये वाला आ गया, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। और कितने लोगों ने आंसर दिया है हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए कई लोगों ने डी लगाया हुआ है, तो डी आएगा नहीं, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। किन किन लोगों ने आंसर बी लगाया है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद गणित, गणित से सवाल पूछे गए, ठीक है। अब मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, हमने अभी रिसोर्सिंग यानी तर्क शक्ति से क्वेश्चन देखे हैं, अब ये देखेंगे मैथ्स से जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती का है, कितने लोगों ने आंसर 270 लगाया है, बिल्कुल सही है। देखिए 270 लगाए हुए ये बंदा 270 लगाया, टारगेट करके लगाया, देखिए कैसे कैसे सॉल्व किया है ना। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक आदमी यात्रा पर निकलता है, कुल 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, कितना 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। तो दूरी का पहला आधा भाग उसे 60 किलोमीटर और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर गति से तय करता है, तो कुल कितनी दूरी तय करेगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है, मैं आपको बताने वाला सॉल्यूशन, और इनका बिल्कुल सही है, 270 किलोमीटर लगाया है। और किन किन लोगों ने 270 किलोमीटर लगाया है कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करें, यहाँ पर देरी ना करें, ठीक है। कमेंट करना स्टार्ट करें यहाँ पर, कौन कौन सही बनाया है, कौन कौन गलत बनाया है, कितने लोगों ने आंसर दिया है, कितने लोगों ने नहीं दिया है। तो 378 कितने लोगों ने लगाया है, बिल्कुल गलत है ना, ये आपका बिल्कुल सही होगा 270 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, एक आदमी, ठीक है, जो एक आदमी है यात्रा पर निकलकर कुछ 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, कितना 5 घंटे 15 मिनट, तो ध्यान से समझिएगा टोटल, ठीक है। टोटल आपका 5 घंटे 15 मिनट का ये समय लेता है, और दूरी पहला आधा भाग 60 किलोमीटर, यानी कि आधा भाग पूछा गया है, ठीक है, आधा भाग पूछा गया है। तो हम T1 T2 इसको लिख सकते हैं। अब 15 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 15 मिनट को हम 60 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/4, 15 चौक 60 होता है, तो 1/4 हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको किस प्रकार लिखना है, ठीक है। ये देखिए, जो एक आदमी है जो कुल 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, तो उसको लिख सकते हैं इस प्रकार, 5 सही 1/4, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब पूछा गया है कि उसका पहला आधा भाग यानी कि 60 किलोमीटर, दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर, यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 60/ ये आपका 15 बराबर 5 सही 1/4 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 और 20 और 20 और 21, तो इसको मैं पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ। तो 1/60 + 1/15 इसको हम D1 मान लेते हैं, D1 D2 = 21/4, ठीक है। तो हम इसका LCM निकालेंगे, तो इसको पहले छोटा रूप में तोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 15 * 3 = 45 और 15 * 4 = 60, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, D1/4 + D2/3 = 21/4, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले ये आपका त्रिज्या गुणा कर देंगे, 4 इसका LCM आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, और इसका 21 × 15 × 4 करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो आपका 270 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। अरे बिल्कुल एकदम आसान तरीका, तिगुनी पूछा गया है, क्या पूछा गया, तिगुनी हो जाएगी। ये किन लोगों ने आंसर दिया, 15 वर्ष लगाया है, बिल्कुल गलत है, 15 वर्ष आएगा नहीं यहाँ पर। क्या पूछा गया, कितने वर्ष में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज पूछा गया, ना कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, ठीक है। देखिए ये बंदा 15 वर्ष लगाया है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आप ध्यान से समझिएगा क्या आएगा, यहाँ पर पूछा गया 25% का मतलब 100, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पूछा गया है कि ब्याज की जो दर है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर पूछा गया है ब्याज तिगुनी हो जाएगी, ब्याज क्या तिगुनी, तीन गुनी का मतलब 1, 3 - 1 यानी गुनी माइनस वन वाला फार्मूला है, गुनी माइनस वन का फार्मूला लगा दीजिएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। अगर 3 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कैंसिल करें, 25 से कम 25 = 4 यानी कि 4 = 2, ये आपका तिरिया गुणा हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8 यानी कि इसका आंसर आपका 8 आएगा, ठीक है, 8 वर्ष आएगा, ठीक है।
कितना आएगा? 8 वर्ष आएगा। कितने लोगों ने आंसर दिया है जल्दी से कमेंट करके बताइए, और कितने लोगों का आंसर गलत है, कौन कौन 8 वर्ष लगाए हैं फटाफट कमेंट करें। यहाँ पर कितने वर्षों में धनराशि पूछा गया है, तो 25% बटा 100 बराबर 3 गुनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 तो आपको 25 बटा 100 बराबर 2, तो इससे काट दिए पर आपको गुना हो जाएगा, 25 से कम 25 चौक 100 और 4 दुनी 8, ये आपका आंसर आएगा इस प्रकार। फटाफट कमेंट करें कितने लोगों ने 8 वर्ष लगाया है, ठीक है, एक बार मिलान कर लीजिएगा। अब इसको देखते हैं, ये तो बहुत इजी सवाल है, ये तो क्या बोलते हैं अनुपात समानुपात से लिया गया है। देखिए ए और बी, एक मिनट ना, चलिए देखिए, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात, देखिए मासिक आय भी पूछा गया है और व्यय भी पूछा गया है, 3:2। यदि प्रत्येक 6,000 प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक आय कितनी होगी? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला सवाल है, इतना आसान। देखिए इसका आंसर बी आया है, बिल्कुल सही है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात कितना है? 4:3 है। किसके लिए? मासिक आय के लिए। अब उसके बाद उसके व्यय का अनुपात पूछा गया 3:2, तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है, x और y मान लेंगे तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कमेंट ना करें, ठीक है, फालतू का। यहाँ पर देखिए इसका आंसर बी आएगा, किस प्रकार होगा तो ध्यान से समझिए, ए और बी के मासिक आय का अनुपात इसको 4x/3x लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको y मान लेते हैं, तो 3y-2y इस प्रकार हम लिख सकते हैं माइनस के रूप में, और प्रति कितना जो 6,000 माह पूछा गया है, तो आपका टोटल यहाँ पर 6,000 रुपये मासिक आय आपका माह बचाता है, तो अगर इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x, उसी प्रकार इसको घटाएंगे तो y, ठीक है, x यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार y आपका आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पूछा क्या गया है, x और y के लिए पूछा है ना, बराबर कितना टोटल पूछा गया, 6,000 रुपये प्रति माह बचा रहा है, कितना 6,000 रुपये प्रति माह बचा रहा है, तो ये आपका 6,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए एक सर्वा है तो पूछा गया ए की मासिक आय, तो ए आपका कितना था 4, ए आपका कितना था 4, ठीक है, तो 4 का कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए का पूछा गया 4, तो 6,000 गुणित 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×24 यानी कि 24,000 आपका आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आया है बी, कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करें यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स और इंजीनियरिंग का बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ पर कमेंट भी आ रहा है ना, बहुत ही मजा आ रहा है कि कितने लोगों ने आंसर दिया, फटाफट कमेंट कर देगा। आंसर भी कितने लोगों ने दिया है, आंसर भी ए तथा बी के मासिक जो आय का अनुपात में आपको निकलता है, क्या करना है, सबसे पहले इसको एक समानना है, ठीक है, पहला वाला, और दूसरा का हम वाई मान लेते हैं, इसमें आप उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या आ जाएगा, एक से बचेगा इसका वाई बचेगा, और 6 महीना प्रति माह बचा रहा है तो 6,000 इसका हो जाएगा टोटल, और एक का जो मासिक आय पूछा गया था, एक आपका मासिक आय कितने है 4 है, तो 4 को 6,000 से गुना कर दूँ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 24,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये शांत जल यानी कि नाव द्वारा पूछा गया सवाल है, इसका आंसर 4 दिया है, गलत है, ठीक है, इसका आंसर आपका बी होगा। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा, कौन कौन इसका आंसर बनाया है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर घंटा, कितना है 15 किलोमीटर घंटा, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए पूछा गया, अनुकूल ना कि प्रतिकूल पूछा गया, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया, 5 मिनट डिस्टेंट इन किलोमीटर ट्रेवलेड, ठीक है, बोट ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ 15 मिनट, यानी कि यहाँ पर जो अनुकूल जाते हुए नाव पूछा गया 15 मिनट की कितनी दूरी में तय करेगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, दूरी पूछा गया है तो सबसे पहले शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर घंटा है, उसी प्रकार यहाँ 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर घंटा है, ठीक है, यहाँ तो ध्यान से समझ में आया, समझ आया कि नहीं, बल जाओ, यहाँ पर शांत जल में एक नाव की जो गति है 15 किलोमीटर घंटा तथा धारा की गति 5 किलोमीटर, तो इनको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 15 + 5, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप पूछा गया अनुकूल जाते हुए 15 मिनट, आप 15 मिनट को कैसे चेंज करते हैं, 15/60 करेंगे तो उसको मिनट में चेंज करते हैं, 15 × 15 = 60 यानी कि 1/4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1/4 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, अब यहाँ पर 1/4 है तो इसको कैंसिल कर देंगे, 4×5 = 20 यानी कि कितना आ रहा है 5, तो कितने किलोमीटर तय करेगी 5 किलोमीटर तय करेगी, तो किन लोगों का आंसर बी आया है, ये बंदा ए लगाया है, गलत है, इसका आंसर 5 आएगा, 5 किलोमीटर दूरी, ठीक है,
वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसा लग रहा है फटाफट कमेंट करें। यहाँ पर चुप रहने वालों के लिए मज़ा नहीं आता मेरे को, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम स्ट्रांग बच्चे रहना चाहिए, स्ट्रांग मेंटली, ठीक है, स्ट्रांग मेंटली रहना चाहिए, फटाफट आंसर कमेंट करना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या क्या लगा है, ए बी सी, देखिए ए ना होगा, बी ना होगा, सी नहीं होगा। देखिए ये ए लगाया, बी होगा, सी लगाया, ये बिल्कुल होगा ही नहीं, क्यों होगा, ध्यान से समझने क्या बोला गया यहाँ पर, एक मिनट ध्यान से समझिए क्या बोला गया है। 3 के घात 25 प्लस 3 के घात 26 प्लस 3 के घात 27 प्लस 3 के घात 28, ये तो ऐसी कॉमन निकल रहा है ना, इसको क्या सॉल्व हो, सॉल्यूशन का कितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन किया, देखिए यहाँ पर ही कितना सारा पूरा एकदम मेथड से बनाया है, बिल्कुल गलत है, कैसा आएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पूछा क्या गया, 3 के घात 25 को हम कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 के घात 25 को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 के घात, यहाँ पर 1 प्लस, एक मिनट ना, 3 के घात 25 को हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अगर 3 के घात 25 को हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3 के घात 1 प्लस 3 के घात 2 प्लस 3 के घात 3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, एक मिनट ना, ये बार बार मैसेज ना करो यहाँ पर, ठीक है, इतना हो गया। अब 3 के घात 25 को यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका पूरा ये संख्या आपका 40 आएगा, और ये तो कटेगा ही नहीं, 11 से कट नहीं रहा है, 16 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, इसको 40 को हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका इतना आएगा 36 3 के घात 25 गुना 40 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, तो 40 कम 2 के घात 3, और ये 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो बिल्कुल कटने वाला है ही नहीं, तो बिल्कुल छोड़ दो। 4 किसका 4 के घात 4, यानी कि ये तो इसमें कोई भी आई मैच ही नहीं कर रहा है, 25 ये भी मैच ही नहीं कर रहा है, देखिए 5 के घात इसको हम 3 करेंगे तो यहाँ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 30 ये आसानी से कट जाएगा, 5 6 30, और 6 को किससे घात कर सकती है, और यहाँ से कट जाएगा तो बिल्कुल कट रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। कितने लोगों ने आंसर डी दिया है, इस तरह का सवाल बनेगा, ठीक है, इस तरह का सवाल बनेगा बिल्कुल। चलिए लाभ और हानि सवाल देखते हैं, देखिए लाभ और हानि भी सवाल पूछा गया है। यदि एक व्यक्ति, एक मिनट ना, यदि एक व्यक्ति 15% लाभ पर बेचता है, कितना परसेंट लाभ पर है, 15% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, और उसे 6 रुपये अधिक पर बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है और 6 रुपये अधिक में बेच रहा है, ध्यान से समझिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट में जब जूम करता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक मिनट, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 15%, एक मिनट, 15% की हेड वी सोल्ड ऑफ फर्स्ट 6 मोर, यानी कि 15% लाभ पर बेच रहा है और 6% 6 रुपये में उसको, और 18% लाभ होता है, ध्यान से समझिएगा ना, एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है, और उसे 6 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 18% का लाभ होगा, एकदम सरल है, वह वस्तु को कितने रुपये में खरीदेगा, क्या करेंगे, सबसे पहले 15% दिया गया है उसमें 18% को हम डायरेक्ट घटा देते हैं, ठीक है, अगर 15% में हम 18% घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3% आपका बचता है, और क्या बोला 6 रुपये अधिक पर बेच रहा है, तो 6 रुपये अधिक पर बेचता है तो 3% का कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3% = 6 रुपया, ठीक है। क्या पूछा गया, ये व्यक्ति 15% लाभ पर बेच रहा है और 18% लाभ होता है, यदि उसे पूछा गया 6 रुपये में अधिक बेचता तो 15 और 3 को घटाएंगे तो कितना, 15 और 18 को घटाएंगे 3% होगा, 3% को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 3% को हम 3/100, यहाँ पर आपको 6 रुपये लाभ हो रहा है तो इसे हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600, तो 600/3 करेंगे तो कितना, इसको कैंसिल करेंगे 200 आएगा, और 200 ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है कमेंट करके बताइएगा फटाक से। इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, देखिए इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, एक व्यक्ति बोल रहा है 15% लाभ पर, और यदि उसे 6% अधिक पर बेचा जा रहा है 6 रुपये अधिक में, 18% का लाभ हो रहा है, अब 6 रुपये अधिक में बेचेगा तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 15 और 18 को माइनस करेंगे कितना परसेंट बचेगा, 3% डायरेक्ट, कहाँ लंबा चौड़ा फार्मूला लगा रहे हो भाई, यहाँ पर फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 18 और 15 को घटाओगे सीधा 3% आएगा, 6 रुपये अधिक में बेच रहा है, इसका क्या आएगा, परसेंट को काट दोगे तो यहाँ पर 3/100 होगा, और ये 6 तो ये 6 से इसको गुना करेंगे 600 आएगा, और 3 से भाग करेंगे कितना जाएगा 200 तो आएगा क्या, कितने लोगों का आंसर बना है, देखिए ये बंदा सी लगाया है, बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद चीनी की मूल्य वाला देखते हैं, ठीक है, तो चीनी की, एक मिनट ना, यहाँ पर कमेंट ना करें फालतू का, इसका आंसर 20% लगाया है, अब 20% नहीं होगा, कैसा 20% होगा, आएगा नहीं 20% यहाँ पर,
क्या पूछा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, तो चीनी की खपत में कितने कटौती की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, मान लो जब 20%, अब 20% को हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं, हाँ 20% को 1/5 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर चीनी की खपत कितने पर कटौती होगी, कटौती की जानी चाहिए, अब कटौती करें तो 1/1 बढ़ेगा तो 1/26 रूप में होगा, तो 16.1666 यानी कि किस कौन सा आंसर आंसर भी आ रहा है, यह लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यह देखिए भिन्न सवाल पूछा गया है, बहुत ही मजा आएगा भिन्न से, इतना असल सरल छोटी भिन्न पूछा गया है, तो क्या करेंगे 2/3, 2/3 को किस प्रकार सबसे पहले लिखेंगे, 2/3 के यानी कि आपका आ जाएगा 3, यानी कि कितना आएगा 300, उसको भाग करेंगे कितना आएगा फटाक से कमेंट करें, इसका 66.66666 इस प्रकार आएगा। अब ये वाला हो गया, अब 3/5 का देखते हैं, 3/5 का देखेंगे 5×30 यानी कि 60 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका 7/9, तो 7/9 का देखते हैं यहाँ पर इधर से इसको भाग करेंगे कितना जाएगा, शायद 17 कुछ इतना पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब 13/11 का करते हैं, 13/11 का करते हैं कितना आ जाएगा इसका, कुछ 72 या कितना पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी भिन्न, इसमें कौन सा सबसे छोटी भिन्न दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा सबसे छोटी भिन्न दिखाई दे रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, कमेंट करके बताइए ये वाला, तो इसका कौन सा आंसर होगा 3/5, आंसर सी होगा, ठीक है। सबसे छोटी पूछा गया, सबसे बड़ी पूछता तो कौन सा आंसर था, ये वाला 7/9, ठीक है। यानी कि ऑप्शन है, अगर बड़ी पूछता तो ये वाला हो जाता, अगर छोटी पूछा है तो ये वाला होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया कौन सा आएगा, कितने लोगों ने आंसर, देखिए यहाँ पर बिल्कुल कैसा आएगा भाई, ये आपका आंसर है बिल्कुल गलत है, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी ना भाई, ये आपकी छोटी संख्या होगी, इसका आंसर होगा सी 3/5। कितने लोगों ने आंसर सी दिया है बिल्कुल कमेंट करके बताइए, जितने लोगों ने आंसर टी सी टिक लगाया होगा, ठीक है, आंसर 3 यानी कि सी आपका टिक लगाया होगा, वो आपका सही होगा। चलिए इसका देखते हैं, ये त्रिभुज से पूछा गया है, यदि दो समरूप, मान लीजिएगा एक समरूप और ये दो समरूप, ठीक है, बिल्कुल लगाया है लेकिन थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, इसका आंसर डी डाल दिया है, गलत होगा, ठीक है। कितने लोगों ने आंसर डी दिया है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत है। देखिए यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4.9 है, तो इसको पूरा चेंज कर दिया है, जैसे जैसे 9:4 है तो तुक्का लगा दिया, 4:9 होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर गलत है, पूरा विपरीत लिखा, देखिए ना 9:4 लिखा है, इसका पूरा उल्टा लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत होगा। कितने लोगों ने आंसर डी दिया है, बिल्कुल गलत है, इसका आंसर आपका होगा ए। कैसा होगा, क्यों होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का, दो त्रिभुज मान लीजिए कि एक त्रिभुज या दो त्रिभुज, ठीक है, अब अनुपात उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत यानी कि कितना होता है, संगत यानी सात भुजाओं का जो अनुपात होता है, तो ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है, संगत भुजा पूछा गया है तो संगत भुजाओं का वर्ग कर देंगे, तो अनुपात में पूछा गया, ठीक है, तो क्या आएगा इसका, फटाक से कमेंट करें, SI3 का एग्जाम है जो कल एग्जाम हुआ था उसी का, कमेंट ना करें, ठीक है। तो देखिए जो इसका भुजा को वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4:9, इनका हम वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा, वर्ग तोड़ देंगे कितना आएगा, इसका जब हम तोड़ेंगे इसको कितने रूप में तोड़ेंगे, तो इसका वो 4/9 है, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, वर्ग अनुपात में करेंगे तो ये इसका वर्ग, ये वर्ग, इसका कितना आ जाएगा 2, उसके ऊपर 9 का कितना हो जाएगा 3, यानी इसको किस रूप से 2:3 के रूप में लिख सकते हैं, कौन सा आएगा आंसर, ए बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए ये तो ऐसे ही बन जाएगा, देखते ही सवाल आंसर आ गया 0.1, कितने लोगों, देखिए इसका आंसर ठीक है, बिल्कुल सही है, कैसा आएगा देखिए 0.1 आएगा, तो 0.1 0.112 और 0.11 का वर्ग है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर 0.1 अगर कॉमन निकालेंगे, देखिए इसमें 0.1011 है, ये सेम दिख रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर सेम दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, अगर 0.1 अगर कॉमन निकालते हैं, ठीक है, और इसको अंडर रूट करते हैं, तो ये पूरा अगर इसमें यहाँ पर 0.1 अगर कॉमन निकाल देंगे तो ये पूरा सेम हो जाएगा, ये और ये पूरा कट जाएगा, कैंसिल, ठीक है, तो आपका 0.1 होगा आंसर सी, ठीक है। कितने लोगों ने आंसर बनाया जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो हिंदी क्वेश्चन में क्या है, कान लगाने का होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से, एक मिनट ना, ध्यान देना नहीं है, ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से सुनना होगा, तो उत्कंठा के क्या उत्सुकता, बिल्कुल सही है, कितनों लोगों ने आंसर दिया है। चलिए मैं तो आप सभी को मैथ्स एंड रीजनिंग का सवाल आपको मैं सॉल्यूशन करा दिया हूँ, इसका आंसर आप लोग बाद में देख लेना क्या आएगा, ठीक है, मैं आपको मैथ्स रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन करा दिया हूँ, अगर आपको कहीं पर डाउट होता है
अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहीं पर समझ नहीं आएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। और भी अगर आप पीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पीएससी का आपका एग्जाम आपको 12 फरवरी को है, ठीक है। आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब देखेंगे बाद में इसका जो सॉल्यूशन है हम बाद में कराएंगे, और जो एक और है जो कल एग्जाम आया था उसका मैं आपको सॉल्यूशन करा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है या फिर ये लास्ट हम आपको मिल जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए।